ये केस कुछ ऐसा है, गाड़ी लड़ी थी, क्लेम हुआ था, बट कस्टमर ने एक दो आइटम इसमें विदाउट सर्वे बदलवा लिया है। मैं अभी अधिक जानकारी देता हूँ इसके बारे में थोड़ी देर। शीशा वगैरह कहीं से तो नहीं चिपका है? वो उसकी छोड़ दीजिए, वो डेंटिंग वाला चीज छोड़ दीजिए, जो लड़ा है वो डेंट तो हो गया ही होगा। शीशा मैन बताइएगा पहले, शीशा तो कहीं नहीं चिपका है? ठीक नहीं, फिर नीचे तक किया जाता है, फिर उसका अलग प्रोसेस होता है ना उसका। तो जीएसटी भी लिया है आपने? अगर आप इसको बदलवाए होते, बदलवा रहे तो हमसे पूछे होते एक बार आप कि हाँ भाई बदलवा रहा हूँ मैं, तो मैं इसको आपको बताता कि आप जहाँ भी बदलवा रहे हो उसका प्रॉपर जीएसटी बिल ले लीजिए वहाँ से। अब पुराना वाला भी आप लाते और ये जीएसटी बिल देते आप, तो उसका जो भी आपका बनता है 50% या जो भी, तो वो जीएसटी बिल वगैरह सर्वे ले जाते और सारी चीज़ें आपका 50% पास भी कर देते, लेकिन उसका प्रोसेस यही होता है। प्री इंफॉर्मेशन जरूरी है इंश्योरेंस कंपनी को। फ्रेंड्स, मैं सोम प्रकाश सिंह, आनंद मोटर गोहनिया प्रयागराज से। आज हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, हमारे पास एक ऐसा केस है जिसमें कस्टमर का केस 3-4 दिन से चल रहा है एक इंश्योरेंस कंपनी से। उनकी टाटा मैजिक गाड़ी है, क्योंकि उनको कमर्शियल गाड़ी है, उनका डेली का जो है काम है उसमें, तो वो जब बहुत दिन रुक नहीं सकते थे, तो जो ज़रूरी चीज़ें थी जैसे कि रेडिएटर और कंडेंसर, वो उन्होंने उसको ऑलरेडी बनवा लिया है उसको, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी कि अगर वो बनवाते समय, उसको लगवाते समय अगर उन्होंने जीएसटी बिल लिया होता जहाँ से भी रिपेयर कराया है उन्होंने, तो जो भी इस गाड़ी का अब सर्वे हो रहा है और इसका जो क्लेम पास होगा, अगर उनके पास जीएसटी बिल और प्रॉपर फोटोज़ होती जहाँ पे उन्होंने करवाया है इसको, तो वो चीज़ें भी इस क्लेम में पास हो जाती, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हो जाती, उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। तो मेन जो मेरा कहने का मतलब ये है, और मेरा मुझे बताना जो है यही बताना है कि आपका कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो आप वहाँ पर भी अपनी गाड़ी का काम करवा सकते हैं। बस ये ध्यान दें कि जहाँ पर भी काम करवा रहे हैं आप, वहाँ पे वो प्रॉपर ऑथराइज्ड होना चाहिए, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, तो आप जो भी काम वहाँ करवाए रहेंगे बिना क्लेम करवाए, उसके बाद आप अपने होम टाउन में पहुँचकर और फिर प्रॉपर एक प्रोसीजर से क्लेम करवा कर इंश्योरेंस कंपनी में उन चीज़ों को रिम्बर्स भी कर सकते हैं, और जो चीज़ें बची रह गई हैं, डेंट पेंट जैसी चीज़ें बची रह गई हैं उस एक्सीडेंट से रिलेटेड, वो वहाँ पर आपकी पास हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। तो इस अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और पहले से ना जानकारी रही हो और ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही बहुत सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।